एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पवासा में स्थित मोहम्मदपुर टांडा गांव पड़ाव। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 28 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने हाजी रईस अहमद को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 7000 की आबादी एवं 3400 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 330 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 65 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 हैंडपंप रिवोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 220 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं हाजी रईस अहमद, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर टांडा, विकास खंड पवासा, जिला संभल। हमें जितनी धनराशि हमारी ग्राम पंचायत को मिली थी पूर्ण रूप से हमने विकास किया। हमने ग्राम पंचायत में सीसी टाइल्स व नाली निर्माण किया, सोलर लाइट व 105 शौचालय का, तीनों विद्यालय में मॉडल शौचालय बनवाए, दोनों स्कूलों में टंकी फिटिंग, सीसी टाइल्स व चार दीवारी का कार्य हो गया है और तीसरे स्कूल में कार्य चल रहा है। नल रिवॉर 8 कराए गए हैं। करवला सुरक्षा दीवार 95 मीटर कराई गई है। दीवार नहीं होने पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे और अब सुरक्षा दीवार होने से राहत है। मैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार से अपील करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण मेरी ग्राम पंचायत को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ग्राम पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि भेजी जाए, जिससे हम अपनी ग्राम पंचायत में विकास करा सकें। मेरा नाम आजम मलिक, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर टांडा, जिला संभल, ब्लॉक पवासा का रहने वाला हूँ। जो आप देख रहे हैं ये सड़क, कितने प्रधान आए और कितने प्रधान चले गए, कभी भी ये ठीक नहीं हुई। जो सामुदायिक केंद्र तक कोई आ भी नहीं सकता था, आसपास के गांव से जो मरीज आते थे वो आते नहीं थे और लौट कर चले जाते थे, लेकिन अभी रास्ता इतना बढ़िया करा दिया है कि कोई भी पेशेंट आता है, मरीज आता है तो आराम से डॉक्टर साहब के पास आता है और दिखाकर अपने आप को चला जाता है। और अनेक काम कराए हमारे प्रधान जी ने, और काफ़ी प्रधान पहले रह चुके थे लेकिन इतना काम किसी भी प्रधान ने नहीं कराया जो ये प्रधान करा रहे हैं।